से अपना घर परिवार के साथ साथ अपना काम जो है उसकी जो ड्यूटी है वो फर्स्ट कैसे निभाते हैं वो है, और पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस जो होते हैं उनके घर वाले कैसे अपने जो उनके हस्बैंड लोग होते हैं या भाई होता है या कोई भी होते हैं जो पुलिस फोर्स में होते हैं वो कैसे उनको सपोर्ट करते हैं, ये मेन बैकग्राउंड है। क्या बताऊँ स्पेसिफिकली कैसे नाम कैसे आया, दूसरा कुछ नाम कैसे आया? चट्टान दे रहा हूँ, चट्टान सर इसलिए क्योंकि ये क्या होता है सर, ये मैनली नेम है मैनली नेम है, तो मैनली नेम इन सेंस कहानी के जो मेन दो पात्र है, एक हीरो और एक विलेन, दोनों इसमें ना बराबर के हैं। पूरी फिल्म आपको मैं दिखा नहीं पाया, मैं थोड़ा सा झलकियाँ दिखाया, तो ये सर उसी परिप्रेक्ष्य से आया कि विलेन और हीरो, हीरो जितना मजबूत है विलेन भी उतना ही मजबूत, तो कोई किसी से कम नहीं है। तो ऐसे तो करेक्टर को जब आप आमने सामने लाएंगे तो एक एक डेडली नेम तो चाहिए ना, और नाम भी ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा घिसा हुआ ना हो, क्योंकि फौलाद हिम्मतबर इस तरह तो बहुत नाम है जो पहले बहुत मरतबा यूज हो गया, तो आप लोग पुराने लोग हैं आप लोगों को जानकारी होगी। इस नाम से ना हिंदी में आज तक कोई फिल्म बनी नहीं, 1976 में एक चट्टान सिंह नाम से फिल्म बनी थी और उसके बाद ही अपनी फिल्म है इस बीच, और इस नाम पे कोई हिंदी डायरेक्ट मूवी नहीं है, और आगे भी जब जब आप लोग मिलेंगे हमारे कोशिश रहती है कि जो भी फिल्म आप आगे बना रहे हो वो कभी टाइटल उसका कहीं पहले यूज ना हो, तो जितनी भी फिल्म हमारी है अभी वन बाई वन वो टाइटल से हम लोग ही पहली बार फिल्म बना रहे हैं, उससे पहले वो फिल्म उस नाम से फिल्म बनी हुई है। देख कर तो बिकॉज सुदीप जी के साथ मैंने बहुत साल पहले एक फिल्म साइन किया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ही कॉन्टेक्टेड मी एंड आई जस्ट डिड इट। मैं एज ए प्रोड्यूसर और मेरे डायरेक्टर सुदीप जी हम लोग कुछ बेहतरीन परफॉर्मर्स के साथ काम करना चाहते हैं, जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मर्स है उनको हमेशा अगर आप साथ लेके चलेंगे तो वो उस कैरेक्टर में नेचुरल परफॉर्मेंस दें। रात को 2 बजे भी बोलेंगे एक्शन वही निकलेगा दिमाग से, तो अगर अच्छा नहीं हुआ तो गालियां पड़ेगी, इतने साल क्या चक मारा था इसने, तो खैर थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। बस आप सब दुआ करें कि ये फिल्म चल जाए तो चट्टान 2 चट्टान 3 चट्टान 4 चट्टान 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 सारी जगह पर आवे। एक्चुअली मैंने माइक इससे दिया है शिवाजी जी से है कि जो सर ने बोला था कि विलेन 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 हम लोग जो बैठे हैं, तो मैं इस फिल्म में उस बिरादरी से बाहर हूँ, ये सब मेरे दुश्मन हैं, ये फिल्म वो फिल्म है, मैंने भगवान की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ, फिल्म में भी 50 साल पूरे हो चुके हैं, 400 से ज़्यादा फिल्म किए हैं, लेकिन ये पहली फिल्म है जिसमें कि मुझे थ्रू आउट एक पॉजिटिव रोल दिया है, इतना बड़ा रिस्क लिया है सुदीप जी मुखर्जी ने। विलन करते करते थक गया था इसलिए टीवी ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल, बट सुदीप ने कुछ पुरानी यादें दिला दी जब रोल सुनाया था, तो आई थिंक आई डन अ गुड जॉब एंड आप लोग जब देखेंगे तो शायद यू विल लाइक इट टू। तो आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव रोल ऑल्सो आफ्टर सम टाइम, बीच में छोड़ दिया था मैंने नेगेटिव करना, बट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी सुदीप ने जो रोल सुनाया, तो आई गेस आप लोगों को पसंद आएगा। मैम माइंड सेट भी है, एक्टिंग भी किया है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए दोनों रोल निभाना एक टाइम पे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? मेरा टीम ऐसा है कि मैं प्रोड्यूसर का टेंशन मुझे कभी रहा, मैं एक्टिंग में ही ज़्यादा ध्यान दे पाई, क्योंकि मेरे जो टीम है टेक्निकल टीम और मेरे प्रोडक्शन की टीम वो मुझे कभी सेट पे नहीं परेशान करती कभी। सर आपसे जानना चाहूँगा पुलिस ऑफिसर के किरदार में क्या क्या तैयारी करनी पड़ी और क्या क्या प्रिपरेशन लगी, अगर उस बारे में कुछ बताएं? तैयारी तो इतना ही था कि आई जस्ट फॉलोड सुदीप, उन्होंने जैसे बोला आई ट्राइड इट।
ऑल्सो हमने देखा कि अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारी जो पुलिस से रिलेटेड पिक्चर आई है, जैसे सिंघम की बात करें, दबंग की बात करें, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि ये पुलिस ऑफिसर उन पुलिस ऑफिसर से कैसे डिफरेंट है, और अगर थोड़ा सा बताएं इसमें सुनीत वांटेड दिस कैरेक्टर टू बी मोर रियल एंड ओवर द टॉप, तो डेफिनेटली एक डिफरेंस तो है, लेट्स होप पीपल लाइक। और एक्शन काफी रियल लग रहा है, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि बिहाइंड द सीन किस तरह का माहौल था और बिहाइंड द सीन्स तो बहुत अच्छा माहौल था, इट वॉज लाइक अ फैमिली। एंड एक्शन जैसे मास्टर जी ने बताया वैसे कि आई एम वी स्टक टू द 90s स्टाइल ऑफ एक्शन, जैसे पार्ट टू में इट इज़ लाइक 2015 के हिसाब से फाइट सीन्स, बट 90s में जिस टाइप की फाइट सीन्स थे और मास्टर्स थे। एक मिनट फोटो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों जो एक्ट्रेस जो है चेंजेस खुद में चेंजेस करने को थोड़ा डरती है, आपने जो अपना वेट भी कम किया और इतना अच्छा किरदार भी निभाया, अगर कुछ बताए उस बारे में कि वो प्रोसेस के बारे में अगर बात करें और अगर बताए कि कितना ज़रूरी है कि किरदार को लेके इस तरह की प्रिपरेशन की। किरदार को लेके असल में अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई भी परफॉर्मर है, तो उसको जब कोई किरदार दिया जाता है, कंसेप्शन होता है राइटर का डायरेक्टर का, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए एज अ ओबीडियंट स्टूडेंट। अगर वो बोलते हैं कि ये करना है, अगर आप उस कैरेक्टर को करने के लिए राजी होते हैं, तो अगर डायरेक्टर बोलते हैं कि इसके लिए मुझे ये चाहिए, मुझे आपका वेट पुट ऑन करना है या आपको नेचुरल दिखना है, घरेलू दिखना है, सो वो पैटर्न आपको फॉलो करना है। हमने गाना देखे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की, अगर उस बारे में कुछ बात करें आप लोग की किस तरह की बॉन्डिंग थी ऑन सेट। अगर वी हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली तो बस केमिस्ट्री तो वही, एक दूसरे को बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, सुदीप जी के बहुत पुराने दोस्त हैं जीत जी, और जीत जी को तो मैं कॉलेज टाइम से ही मतलब फिल्मों में देखती थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके ऑपोजिट काम करूँ। जी मैं ये जानना चाहूँगा, आज का पल क्या भावुक पल है आपके लिए? आपके से पल है? मेरे पापा नहीं रहे, 29 मार्च को वो चले गए, वो नहीं रहते तो ये फिल्म नहीं, और वो हमेशा यही कहते थे, मतलब बीच में कोरोना आ गया था ना, कि फिल्म को रिलीज करो, ये उनका ये था सपना। तो अभी तो वो नहीं है, मम्मी तो 10 साल पहले चली गई, पापा थे वो पूरा सपोर्ट रहता था, क्योंकि सेट पे वो हमेशा रहते थे और सबके साथ वो बहुत फ्रेंडली थे, सब उनको पसंद करते थे, तो बस वो नहीं रहे, बस उनका आशीर्वाद। मैम लास्टली फिल्म कब रिलीज करने का प्लान है? 22 सितंबर। ये वो चट्टानों की एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो मैं प्ले कर रहा हूँ, मेन विलन ही समझ लीजिए इसको। श्रीप ने जब स्टोरी मुझे सुनाई थी तो बहुत ही अच्छी लगी, मैंने तो उसको स्ट्रेट हार कर दी, क्योंकि इतना पावरफुल रोल है कि जो अपना रिवील नहीं करना चाहता कि चट्टान मन में उसका एंड क्या है, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है पार्ट टू में भी सर्वाइव करता है, मतलब पार्ट वन में कितना हैवी होगा वो अपने के ऊपर देख के मालूम पड़ जाता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे चट्टान के बारे में? आप दोनों की जुगलबंदी बहुत सारी फिल्मों में हमने देखी है, इस फिल्म में अगर किरदार के बारे में बताएं और तैयारी क्या करनी पड़ी थी? सर मेरी किरदार के बारे में तो ये था कि जब दादा ने मुझे बताया कि आप ये रोल कर रहे हैं तो मेरी मच बहुत सही, और दूसरी बात ये कि तो मेरा ये सवाल था कि आपने मुझे क्यों छूटा, तो उन्होंने बताया कि जीत उपेंद्र एक चट्टान का कैरेक्टर है, एक चट्टान दूसरे चट्टान के साथ टकराता है नेगेटिव, तो जीत का सुपीरियर है पुलिस फोर्स में, फोर्स का बॉस है ना, उसका भी इतना ही पावरफुल पर्सनैलिटी होना चाहिए कि जिसके अंदर में ही अगर चट्टान जैसा कैरेक्टर है तो बॉस भी इतना ही पावरफुल होना चाहिए, स्क्रीन पे एक अथॉरिटी रखना चाहिए, एंड इट इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव। जो सेकंड हाफ में जो सेकंड पार्ट होगा उसमें डेफिनेटली वो रजनीका जी सपोर्ट करता है एंड कुछ चट्टान को और बढ़ावा देता है, तो जितना नेगेटिव फोर्स पावरफुल हो उतना ही पॉजिटिव पावरफुल होता है, तो कहने का मतलब है कि जितना बड़ा चट्टान सामने चट्टान हो, चाहे वो एक हाथ हो, दो हाथ हो या पाँच हो, बेसिकली रियल स्टोरी एंड 90s की कहानी है, तो डेफिनेटली आपने भी देखी कहानी, अच्छा है तो बहुत ही इफेक्टिव है।
हर चीज़ उस किस्म से शूट की गई है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म में इंटरटेनमेंट है, सारे कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है, तो बहुत ही सक्सेसफुल है। कल मुझे सेंसर सर्टिफिकेट हिंदी वर्जन का मिला है, आज सुबह 12:30 बजे कन्नड़ वर्जन की एप्लीकेशन गई है, इसके बाद मलयालम है, तभी कन्नड़ का ही सर्टिफिकेट टाइम पे मिलेगा कि नहीं हमें मालूम नहीं है, तो मलयालम का भी सोच ही नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा उसमें फंसा हुआ हूँ अभी। खुशी हो जाती अगर वो सब एक साथ हो जाता, जिनका हमने 12 अगस्त को अप्लाई की थी, बट कल जाकर हमको हिंदी का मिला सिर्फ ओनली, कन्नड़ अभी आज अप्लाई हुआ, क्योंकि जब तक मदर वर्जन सेंसर नहीं होके आजकल ओटीटी का चलन है, क्या ओटीटी सर इट्स ए जनरल प्रोसेस में, जब आगे जाएगा 2-3 महीने 4 महीने बाद तब सर ओटीटी आएगा, अभी राइट नाउ तो नहीं। और इसके अलावा क्या मतलब ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट है ही, दूसरा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? कोई पार्ट टू आपको दिखा है, वो भी रिलीज पे 8 मार्च की तैयारी है। सराहना चाहूँगा सेट पे हर कलाकार के कैरेक्टर के दायरे के अंदर फ्रीडम दी है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसमें जो उन्होंने एक समझदार डायरेक्टर की तरह से कोई जिद नहीं की, छान लिया कि ये अच्छा है फिल्म के लिए, बोले आप ये कर सकते हैं, उससे कैरेक्टर्स सब कैरेक्टर्स बहुत ऊपर कराए एक बार। दूसरी बात जो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हालांकि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोलूँ ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इनकी राइटिंग इतनी अच्छी है ना, इतना बढ़िया लिखते हैं डायलॉग वगैरह ये, कि मैं आपको कॉमा फर्स्ट स्टॉप भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेरी नाइस ह्यूमन बींग, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जैसे इन्होंने बताया, मैंने नहीं कहा था इस तरह से, शायद कहा भी हो कि इस कैरेक्टर को मैं ही करूँगा जब भी फिल्म बनेगी, वरना मैं आपकी हत्या कर दूँगा, तो आज मैं बोल रहा हूँ अगर उन्होंने कोई भी फिल्म मेरे बगैर बनाई तो मैं इनकी वाकई हत्या कर दूँगा, कैमरा पे बोल रहा हूँ सर, मैं ऐसा ना कोई और मार दे सारा मेरे घर, कोई फिल्म नहीं। ये बहुत अच्छे प्यारे इंसान है, बहुत मजा आया। जीत उपेंद्र जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी पहली हिंदी फिल्म जीत बाबू शायद वही थी, डॉन टू इनकी पहली फिल्म थी, इसमें कि सब गाने बहुत पॉपुलर थे, वो हवा हवा है वा है हवा, पाकिस्तानी फिल्म के सब इन्हीं के ऊपर पिक्चर आई थे, हीरो थे, उस फिल्म में भी मैंने उनके साथ काम किया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे एक बहुत खुशी होती है बात की, क्योंकि हर फिल्म में विलेन लोग हैं, उठते ही हीरो से बाद में, तो ज़्यादातर फिल्मों में पिटे हैं, तो मैंने 3 हीरो की पिटाई की फिल्मों में, जो मुझे अभी एयरपोर्ट में कहीं शूटिंग के लिए गया था, तो एयरपोर्ट पे पुलिस वाले बोला अब वही तो नहीं जो फिल्म में अजय देवगन की पिटाई करते, मैं बिल्कुल ही वही हूँ भाई, मैं जोर से पूछ तो सारे सुने कि मैंने पिटाई करी अजय देवगन, अजय देवगन दूसरा सुनील शेट्टी मुझे बोले एक फिल्म की कृष्णा उसमें एक्शन था, मैं एक साइड में उसको मारता हूँ, इंटरव्यू में बोले वो जब लंच हुआ तो बोले सुनील कि प्रीति आज पहली बार मालूम पड़ा कि आप गिरंग लोग कैसे कर। तीसरी खुशी भी इस बात की कि ये हीरो हैं हमारे यहाँ बैठे, बहुत प्यारे इंसान है ये, तो फिर इनकी मैंने उस पर पिटाई की, तो इनके साथ अच्छा रहा। शिवा बहुत अच्छे दोस्त, उनके साथ भी मैंने काम किया है, तेजू के साथ बहुत बरसों से, तेजू मेरे पड़ोसी भी रहे हैं पहले, सबसे परिवार की तरह से संबंध रहे, अच्छा काम करने का, धन्यवाद।